वेलकम एवरीवन। आज का पाठ है दो बैलों की कथा। इसके आज मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स बता रही हूँ। तो दो बैलों की कथा पाठ हिंदी साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आता है? यह कहानी विधा के अंतर्गत आता है। दो बैलों की कथा कहानी के लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं प्रेमचंद। प्रेमचंद अपनी किस प्रकार की रचनाओं के लिए प्रसिद्ध हुए थे? उपन्यास वो ज़्यादा लिखते थे तो उपन्यास के लिए प्रसिद्ध थे। प्रेमचंद ने अपनी कहानी दो बैलों की कथा में किसका वर्णन किया है? तो इस कहानी में उन्होंने बैलों की मित्रता का वर्णन किया है, यानी बैलों की दोस्ती का वर्णन इन्होंने किया है। दो बैलों की कथा कहानी में किस किस का संबंध दिखाया है? यहाँ पर किसान और उसके पशुओं का संबंध दिखाया गया है। लेखक के अनुसार सबसे बुद्धिमान जानवर किसे समझा जाता है? गधे को। बुद्धिमान नहीं, बुद्धिहीन है ये। तो बुद्धिहीन जानवर किसे समझा जाता है? गधे को। हम जब किसी व्यक्ति को मूर्ख बताते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे गधा कहते हैं। गाय किस दशा में सिंघनी का रूप धारण कर लेती है? ब्याही हुई, यानी जब उसका बच्चा होता है तो वह सिंघनी बन जाती है। गधे के चेहरे पर कौन सा स्थायी भाव हमेशा छाया रहता है? विषाद का, यानी वह दुखी सा नज़र आता है हमेशा। भारतवासियों को किस देश में घुसने नहीं दिया जा रहा था? उत्तर है अमेरिका। किस देश के लोगों की एक विजय ने उन्हें सभ्य जातियों के लोगों से में स्थान दिला दिया? जापान। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाते। ये शब्द लेखक ने किसके लिए कहे हैं? भारतीयों के लिए। बछिया का ताऊ किसके लिए प्रयोग किया जाता है? बैल के लिए। हीरा और मोती बैलों के स्वामी का क्या नाम था? झूरी। झूरी के दोनों बैल कौन सी प्रजाति के थे? पछाई प्रजाति के। झूरी के साले का क्या नाम था? उसका नाम था गया। सॉरी। दोनों बैल कौन सी भाषा में एक दूसरे के भावों को समझ लेते थे? मुख भाषा में। मुख भाषा होती है जब हम इशारों से कोई बात करते हैं, उसे मुख भाषा कहा जाता है। झूरी ने प्रातः ही नाद पर खड़े होकर खड़े बैलों को देख करके क्या किया? उन्हें गले लगा लिया था। कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहाँ काम ना किया? ये शब्द किसने कहे? ये शब्द कहे थे झूरी की पत्नी ने। वे लोग तुम जैसे बुद्धों की तरह बैलों को सहलाते नहीं, ये शब्द किसने किसके प्रति कहे थे? झूरी की पत्नी ने झूरी को कहे थे। दूसरी बार गया बैलों को कैसे ले गया? दूसरी बार जब गया लेकर के गया था तो उन्हें बैलगाड़ी में जोत करके लेकर के गया था। गया की लड़की को बैलों से सहानुभूति क्यों थी? क्योंकि उसकी सौतेली माँ मारती थी। गया के घर में दूसरी बार बैलों की रस्सियाँ किसने खोली? गया की बेटी ने। हीरा ने मोती को गया की पत्नी पर सींग चलाने से मना क्यों कर दिया? क्योंकि वह स्त्री जाति थी और स्त्रियों पर सींग चलाना नहीं चाहिए। गिरे हुए बैरी पर सींग ना चलाना, ये शब्द किसने कहे? हीरा ने। खेत के मालिक ने दोनों बैलों को कहाँ बंद कर दिया था? कांजी हाउस में। दीवार को तोड़ना से बैलों की कौन सी भावना का बोध होता है? यहाँ पर विद्रोह की भावना का बोध होता है। मोती के द्वारा दीवार गिराने पर कौन सा जानवर नहीं भागा? गधा नहीं भागा था। दोनों बैलों को कांजी हाउस में कितने दिन रहना पड़ा? एक वीक तक वो रहे थे, यानी एक सप्ताह तक वो रहे थे। ये सब मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स बताए हैं। आप इन्हें नोट डाउन करके मुझे अपने नोट्स चेक करा सकते हैं। मैंने इसके लिए व्हाट्सएप लिंक जो है मेरा आपको सबसे इसमें दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से मुझे अपने नोट्स सेंड कर सकते हैं और आप ये नोट डाउन करके इन्हें लर्न भी कर सकते हैं। लॉकडाउन में बाहर जाने की अभी मनाही है, स्कूल बंद है, सो आप इस तरह पढ़ाई कीजिए जिससे आपके अच्छे मार्क्स आएँ। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।